अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्लॉग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अब अपने डेली रूटीन के, क्योंकि ट्रिप तो हमारी खत्म हो गई है। तो अब जो डेली के काम होंगे ना वो आप लोगों के साथ शेयर होंगे। कहीं आना जाना भी जब होगा तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आज सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब सुबह हुई, हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन अब जो है वो मौसम कुछ क्लाउडी सा मौसम है। थोड़ी थोड़ी सी हवा सा चल रही है, लेकिन ये है कि अभी भी गर्मी बढ़ना है, वो अभी भी स्टिल आ रहा है। तो क्योंकि बरसात का मौसम है इसमें ऐसे। आज मैं अपनी क्रोकरी सेट करने लगी हूँ, तो शोकेस में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस व्लॉग में। जैसे मैं चाह रही थी कि मैं वहाँ साफ करूँ शोकेस अपना, तो मैंने आज जो है वो मैंने कहा चलो हिम्मत करके आज कुछ तो करते हैं। तो मैंने आज हिम्मत करके जो है ना वो सारे बर्तन जो है वो साफ किए हैं, धोए हैं। तो अब उनको जो है वो मैंने सेट करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और इंशाल्लाह जो अब आगे डेली व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। बर्तन मैंने सारे पहले ही धो लिए थे और शोकेस भी मैंने सारा साफ कर लिया था और ये प्लास्टिक वगैरह भी मैंने सारे डाल दिए थे। तो अभी काफ़ी हद तक जो है वो मैंने बर्तन रख लिए हैं। कुछ ये है कि धोकर भी जो है ना एक दफ़ा इनको दोबारा साफ़ करना पड़ता है ताकि जो पानी के स्टेन्स हैं वो इनके ऊपर ना आ रहे हैं, क्योंकि शीशा होता है ना तो वो फिर शीशे के ऊपर निशान जब रह जाते हैं ना किसी भी चीज़ के, मतलब पानी के, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर बस मैं वही साथ साथ सेट कर रही हूँ, साथ साथ साफ़ कर रही हूँ। तो मुझे जो है ना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो है वो बर्तन अच्छे लगते हैं। मुझे इतने ज़्यादा डिज़ाइन वाले या कलरफुल जो है ना वो बर्तन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर जो है ना जो मेरे वाटर सेट हैं या कूल सेट हैं ना वो कलरफुल नहीं होंगे, वो ट्रांसपेरेंट ही आप लोगों को नजर आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो करने वाला पड़ा हुआ है। मेरा यही था कि मैं पहले इसको सेट कर लूँ, देन जो है वो फिर मैं दूसरे कामों की तरफ होंगी। तो ये देखें नीचे अभी कप्स वगैरह हैं वो भी सेटल करने हैं और ये जो क्लॉक है वो भी अभी हैंग अप करनी है। तो ये है कि काम जितने भी घर के होते हैं ना तो वो थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ करते जाए ना, तो फिर ये है कि एकदम से इकट्ठा काम नहीं होता, क्योंकि इकट्ठा जो काम है ना वो फिर ज़्यादा होने की वजह से बर्डनाइज हो जाता है इंसान। तो अपने काम जो है ना साथ साथ कर लेने चाहिए। और यहाँ पर भी मैंने जो है अपना शोकेस ऑलमोस्ट पूरा सेट कर लिया है और अब मैं आपको इसकी फुल जो है वो लुक दिखाती हूँ कि कौन सा बर्तन कहाँ पर रखा है मैंने। ये है जी मेरे शोकेस का ओवरऑल लुक, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है जी शोकेस का ओवरऑल लुक। और यहाँ पर जो ये वाला इसका मिरर है वो उतर गया हुआ है काफ़ी देर से। उतरा भी ऐसे था कि मैंने ना ये दरवाज़ा ऐसे ओपन किया था तो इसका जो मिरर है वो सारा एक तरफ का उतर के मेरे पाँव पे जो है ना वो गिर गया था। तो शुक्र है खैर मुझे भी इतनी ऐसा ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन ये है कि शीशा टूटा नहीं था। अब वो शीशा जो है मैंने इधर ना फ्रिज की साइड पर रखा हुआ है और दुआ यही है कि बस ये जो है ना बचा रहे और जल्दी जो है ना अपनी जगह पर लग जाए, ये ना हो कि ये कोई मसला ना हो जाए, मतलब कि टूट ना जाए। तो अब देखें इसकी बारी कब आती है, कोशिश तो यही है ज़रा जल्दी आ जाए, क्योंकि ये बड़ा ही जो है ना वो नाजुक मामला है और इसको बड़ा एहतियात से रखना पड़ता है। अगर कोई बच्चा भी आ जाए ना घर में तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है इसको सेट कर लिया है। पहली बात है ये एक लिमिटेड सी जगह है, यहाँ पर जो है वो सारी क्रोकरी नहीं लगा सकते। और वैसे भी जिन लोगों को शौक़ होता है क्रोकरी का, जैसे मुझे और मेरी अम्मी को, तो हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा क्रोकरी जो है उसको खरीद कर रखा हुआ है। और मैं भी जब भी जाऊँ ना कभी बाज़ार तो मैंने जो है ना वो अपनी पसंद की कोई ना कोई क्रोकरी में चीज़ जो है वो लाजमी लेनी होती है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सिर्फ वही बर्तन रखे हैं जो कि डेली इस्तेमाल में जो है ना वो यूज़ में आए। और ये है कि ओवरऑल सारी जो बर्तन है यहाँ पर मैं भी आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ, वो जो हैं वो बहुत ही लीस्ट जो है वो इस्तेमाल में जो चीज़ें होती हैं ना वही हैं डेली के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट शेल्फ से। टोटल जो है इसकी 4 शेल्फ्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट पे जो है ये शेल्फ में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है वाटर सेट। ये मेरी अम्मी की शादी का है और उन्होंने आके मेरी शादी पे भी दे दिया था। इसके बाद जी ये मग सेट है, साथ साथ जो है ना कुछ डेकोरेशन पीसेस भी साथ साथ ही पड़े हुए हैं। ये सॉल्ट एंड शुगर की पॉट है, मतलब इसमें एक में आप इवन के सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी रख सकते हैं। उसके बाद जी ये कूल सेट है, इसके कुछ ग्लास ये ऊपर ही मैंने रखे हैं, कुछ मैंने नीचे रखे हैं। और एक मग सेट, सेकेंड शेल्फ पे भी एक वाटर सेट है। और ये जो एक लॉक है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी मेरी बर्थडे पर, अभी इसमें सेल नहीं है, सेल जो है अभी इसमें डालना है। बाकी ये एक कप एंड सोसर का सेट है, दूसरा ये ग्लास सेट है, और इसके अलावा जो है ये प्यालियाँ हैं,
चीनी की, ये भी मेरी अम्मी की शादी की है, उन्होंने मुझे शादी में आगे दे दी। और थर्ड शेल्फ पर जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर जो बाउल सेट होता है यानी जिसमें हम डिज़र्ट सेट इसको कह सकते हैं, इसका जो बाउल है ना वो टूट गया था और बाकी अभी ये मेरे पास इसके छोटे बाउल्स पड़े हुए हैं। इसमें हम लोग आइसक्रीम डाल सकते हैं, उसके अलावा जो है आलू चने हो जाएँ, दही भले हो जाएँ, या डिज़र्ट की कोई भी चीज़ जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा साइज़ है, बहुत अच्छा सा, और ये एक बड़े साइज़ में भी है और एक छोटे साइज़ में भी है, ये भी पड़ा हुआ है। और ये एक अलग से मैंने जो है ना स्पून सेट और फोक सेट रखा हुआ है। और ये मैंने जो बाउल्स आए थे ना, ये मैंने जब नॉनस्टिक का पैन मंगवाया था ये उसके साथ लिए थे। ये एक मग सेट है, इसके तीन जो हैं वो मग टूट गए, तीन ये रह गए। और इसी तरह जो ये पीछे कप एंड सोसेस पड़ी हुई, ये चार रह गए, दो टूट गए थे इसमें से, और ये छोटे ग्लास हैं। और प्लास्टिक का सेट जो है वो मैंने रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो प्लास्टिक का सेट ही यूज़ होता है। और ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था। और उसके अलावा ये जो कटलरी सेट है ये भी मेरी शादी का है। और एक आपको बड़ी मज़े की चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये पहले घरों में ज़्यादा होती थी, ये मेरी अम्मी की ही शादी का है। मेरे घर जब महफिल थी ना तो वो ये लेकर आई थी। इसमें जो है हम लोग अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, आई थिंक इसमें जो है इत्र डाल के भी जो है ना वो महफिल में रख सकते हैं खुशबू के तौर पर। तो ये मेरे पास तब का ही पड़ा हुआ है, मैंने उन्हें वापस नहीं दिया, मैंने कहा आप इसको मेरे पास ही रहने दें, ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और ये जो बड़ों की चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो माँ की चीज़ें होती हैं ना, वो तो यादगार होती हैं। तो बेटियां जो हैं वो अपनी माँ की चीज़ों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हैं। तो मैंने भी इसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने रखी हुई हैं, लगा दी थी। ठीक है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, साथ साथ जी हांडी भी चेक कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ घिया गोश्त, तो मैं जो हूँ ना अब हांडी में डालती हूँ सिर्फ सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च मैं नहीं डालती, इस वजह से आपको जो है ना ये ऐसा कलर लग रहा है साबुन का। भी मज़ीद अब इसमें पकना है, पक लेगा तो फिर जो है ना इसका हम लोग इसको खाएंगे। दोपहर के टाइम है तो ये हम चलते हैं जी बाहर, और बाहर देखते हैं क्या सूरत हाल है। ठीक है, पहले क्लाउडी था, फिर धूप सी आ गई है। और ये है जी, इनको मैं देखने आई थी, मैंने कहा इनको पानी डालूं। ये है जी हमारा कुकू एंड कुकी, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है हमारी कुकी एंड वो है हमारा कुकू, और ये मतलब के कुकरी और वो कुकर। तो ये तो माशाल्लाह समझदार है, वो ज़रा भी इतना समझदार नहीं हुआ, इसको भी समझाना। पानी इनको डाला हुआ है, पानी इन्होंने पी लिया है काफ़ी ज़्यादा, मैं कह रही इसको निकाल देती हूँ ना, पानी निकाल देती, पानी हम लोग ना इनका अंदर नहीं रखते, बाहर ही रखते, ये दाने रख के देखते हैं हम। गांधी इन्होंने काफ़ी डाला हुआ है, इसको वॉश करना होता है। तो ये जी खा रही है दाना, भूख लगी हुई थी, इन्होंने भी तो दोपहर का खाना खाना होता है ना, तो ये अपना खाना खा रहे हैं। मुर्गी खाने लग गई है, मुर्गी ने अभी नहीं मुँह किया इधर, कहता होगा भाई अभी मेरा दिल नहीं खा रहा, पेट बड़ा हुआ। माशाल्लाह ये कुकरी नहीं खा रही है, कुकर ने अभी कुछ भी नहीं खाया, ये तो अभी वैसे ही खड़ा है, अभी इसकी मर्जी नहीं है खाने की। खा लो भी खा लो, तुम खा लो जल्दी से, खा लो कुकू कुकू ना खा। आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा लिमिटेड सा व्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा, और अब जो है वो डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, और कुछ मोटिवेशनल भी होगा इंशाल्लाह। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई विल कैच विद न्यू व्लॉग, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।